फाइनली दोस्तों हम स्पाइस गार्डन टहल कर यहाँ से चॉकलेट और चाय पत्ती खरीद कर इस मुन्नार में हम निकल चुके हैं मधुपट्टी डैम के लिए। चलिए हम मधुपट्टी डैम भी दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं मधुपट्टी डैम दोस्तों, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है दोस्तों, इसी के अंडर में ये बिजली उत्पादन करती है। तो गाइस मधुपट्टी डैम मुन्नार के पर्यटक स्थलों में से सबसे पसंदीदा है। यही डैम है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मधुपट्टी डैम अगर आप घूमने आए तो आप देख सकते हैं यहाँ दुकानें भी लगी हुई हैं, सारी दुकानें हैं। यहाँ काजू बादाम भी मिल रहे हैं दोस्तों। पार्किंग एरिया भी है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, खाने पीने की भी सामान यहाँ मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के लोकल बैगेज, देख सकते हैं दोस्तों सारी दुकानें एक लाइन से लगी हुई हैं। देख सकते हैं दोस्तों चाय की खेती है, चाय के बगीचे हैं, चाय के पत्ती के बगीचे हैं। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर तक का चाय के पत्ती की ही खेती हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मधुपट्टी डैम मुन्नार में, आप देख सकते हैं लोग बोटिंग भी कर रहे हैं वहां पर। तो गाइस यह एक ऐसा खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जहाँ नियमित रूप से पर्यटक आते हैं। यहाँ पर लोग डैम और झील देखने दोपहर के सुनहरा मौसम का आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। ये भी आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में ये डैम है दोस्तों। ये डैम ऑपरेशन के लिए है दोस्तों, ये टेक्निक आप देख सकते हैं। यहाँ से ये स्लाइडर गिराया जाता है पानी के रुकाव के लिए, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस डैम को, मधुपट्टी डैम। ये देखिए फवारे की तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है पानी, क्योंकि वहाँ का स्लाइडर दोस्तों गिरा दिया गया होगा, वहाँ के गिराने से वजह ये फवारे निकल के आ रहे हैं। हो सकता है पानी की धारा बहुत कम में निकालनी होगी, इसीलिए ऐसा किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों मधुपट्टी डैम। तो आप बगल में पावर हाउस भी देख सकते हैं। डैम दोस्तों जिसे बांध कहते हैं, बहुत ऊंची दीवार बनाई जाती है दोस्तों पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों आपने एक विंड एनर्जी भी देखा था, विंड एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी तरह से एक ये भी है। तो गाइस इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। इससे पानी को स्टोर करके टरबाइन को चलाकर दोस्तों एक जनरेटर लगाया जाता है। जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके ट्रांसफार्मर द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। इस पानी के प्रेशर से आप देख सकते हैं टरबाइन को चलाया जाता है दोस्तों। तो गाइस इस बांध को बनाकर हम पानी के रुकाव से मत्स्य पालन और सिंचाई भी कर सकते हैं। इसके जल को फिल्टर करके पीने योग्य भी बनाया जाता है दोस्तों। इससे बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है। इदुक्की जिले में मुन्नार के मधुपट्टी बांध जल विद्युत पानी के संरक्षण के लिए दोस्तों केरल भारत के पहाड़ों में से बनाया गया एकमात्र भंडारण कंक्रीट ग्रेविटी बांध है दोस्तों। अन्य बांधों के साथ साथ राज्यों में भारी राजस्व देने वाला बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है दोस्तों ये बांध। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों, जिससे मैं आपको तरह तरह का वीडियो उसी तरह से दिखाता रहूं। दोस्तों मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।